गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4 एंड ये देखने चाय। और आज सुबह इसलिए जल्दी उठ गए, आज नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा क्या किया जाए, चाय बनाई जाए। एंड चाय बनाया कि ये रखी कॉफ़ी, थोड़ी देर पढ़ेंगे। और आज जाना है मामा जी के यहाँ, एक्चुअली उनके भैया की ना इंगेजमेंट है, तो होमवर्क है कोचिंग का, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो सोच रहे आज ही निपटा लें और मिलते थोड़ी देर। कानपुर चप्पल पहन के और सर ठीक है और भाई ये बस दो पे दो लोग जाएंगे, एक्चुअली कानपुर नहीं जा रहे, वंडरिंग कर रहे हैं, लोफड़ी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। अभी पापा है काम में थोड़ा, तो हमने लोगों ने सोचा मठा पी लिया जाए बस। भाई गाड़ी स्लो चलाता ही नहीं है, गाड़ी देख ले कल पापा बैठे 120 खींचते हैं, पापा के सामने 120 खींचते हैं, अबे उतर जाएंगे यही रहते हमने कहा अंकल जी तुम लोग भूल गए तो बैठे हो। इसे भी यार हमारे ना स्लो चलाते हैं, और स्लो अगर तुम चलाओगे तो भी बैठेंगे हमारे साथ, वो खुद ही हम जैसे थोड़ा भी कट मारते हैं इधर उधर, तुम हमें उतार दो तुरंत, बता रहे हैं तुम्हें भाई। सच में मां सर कार में नहीं बैठे थे, बाइक में तो बैठे नहीं है, कार में तो छोड़ो, बाइक में बहुत मुश्किल से बैठा था, कार में तो बिल्कुल बैठे ही नहीं सका था। देखा था वे चलाई माई लाई रहा देता ऐसे करके, और कार में नहीं पता चले थे यार गाइस, कार में नहीं पता चले स्पीड कितनी चल रही है, भागने भागने। और पापा वाले की जो मीटर देख रहे कि इतनी भाग रही है, चौक ले जा रहे यही तो है दिक्कत। जाने नहीं दूंगा तुझको। अपनी दीदी को लेने एक्चुअली में मैं था मामा जी के यहाँ, ये भाई मेरा साथ में है, दीदी को लेके मामा की जी के यहाँ फिर से आना है। तो दीदी के पास अभी जा रहे हैं, बहुत ही उतरते हैं हाईवे पे, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और इधर एक फंक्शन चल रहा है, और भैया अपने इधर ही मिलेंगे, और हम लोग बहुत लेट आ गए। भाई ये अपना भाई है, हाय बोल रहे हाय। ये अपने बोला भाई, इसको तो तुम लोग जानते हो, ये अपना गोलू भाई, इधर भाई भी है और फंक्शन इधर है, मतलब खा लो ये लोग है, देख लो इधर कैसे कैसे घूम रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे इनका फंक्शन, ये उनका घर, उनका काफी अच्छा लगा, और इनका सिस्टम तगड़ा है, पूरा गली जाम कर दी है, तगड़ा लगता है। और ये भी गली है, ये भी जाम कर दी गई, स्टेज बना दिया गया यहाँ पे है, और अपनी लकी कोल्ड ड्रिंक ये मांझा है मेरा, ये भाभी आ गए अभी, उनकी अभी देखो थोड़ी देर में एंगेजमेंट होगी यहाँ पे, भैया आने वाले, देखो भैया बता सकते भैया कहीं नहीं दिख रहे, भाभी आ गई एंगेजमेंट है वो, यही भैया है। कैसा महसूस कर रहे हैं भैया आप बताओ? इस समय आई एम फील सो हैप्पी, द नाइट इज माई लास्ट नाइट बिकॉज आई विल डाई। इनका मतलब भैया मरने वाले ना, वैसे मरने वाले नहीं, एक्चुअली भाभी आने वाली है, इस रीजन से मरने वाले हैं, और हमसे ज़्यादा खुशी ये है कि हमें भाभी मिल रही है, साफ बात ये है कि हमें भाभी मिल रही है, इसलिए हम खुशी हैं। और भाभी भी बहुत क्यूट है, फिल्म में देख रहे हैं वही है जो कैमरा वाला, तो उनको मुंह में लगा दिया जा रहा है, ये नहीं कि हमें आगे भेजे, व्लॉगिंग कर रहे हैं हमें व्लॉगिंग। यहाँ बैठे हुए हैं, देख लो इनको, कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं किस चीज़ का? समर्थन कर रहे हैं तू लेख का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद भैया शादी तुम्हारी है, ठीक है पक्की बात, देख रखी बताओ तो हम ढूंढने, बताओ देख ही रखी है नहीं देखी है? चलो ढूंढने, ये शादी सुधाओ तुम, तुम भैया शादी शुदा हो? हाँ हम भी शादी शुदा, भैया बस बाकी रह गए, ठीक है भैया के बाद तुम्हारा नंबर है। रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई,
अबे वहाँ की कैमरा भैया आज तो आप वहाँ से चल दिए हैं ये रही अपनी गाड़ी और ये मेरे पास है मेरी बहन ये आए बोलो आए करो आए करो आए करो हाय 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 हंस रही है हंस रही है हंस रही है और लोग घर जा रहे हैं जा रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा पर जा रहे हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और मुझे लगता है ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं यार चलो जैसे होगा बताएंगे देखें तो गाइस हम आ चुके हैं घर और अब सोएंगे एक्चुअली वो वहाँ पे ये मिला था तो मैं तो वहाँ पे था नहीं तो मम्मी को मिला था मम्मी ने मुझे दे दिए ये इसमें भी 100 रुपये हो गए तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नए नेक्स्ट व्लॉग में तब तक ले टाटा बाय बाय भैया की एंगेजमेंट हो चुकी है तो काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट हुई मज़ा आया तो लव यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय मिलते हैं फिर किसी नए नेक्स्ट व्लॉग में अभी आए घर में अब सोएंगे यार बहुत नींद लगी हुई है बाय